सदर मुमलिकत ने इलेक्शन तरमीमी बिल के बाद नैब तरमीमी बिल भी बगैर दस्तखत वापस कर दिया। सदर ने मौकिफ इख्तियार किया कि पार्लियामेंट से मंजूर शुदा ये बिल रुजत पसंदाना नौयत का है, जिससे बदउनवानी को फरोग हासिल होगा। ये बिल बदउनवान अनासर के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो किसी को भी जवाब दे नहीं और बिला खौफ व खतर अपनी लूट मार जारी रख सकते हैं। मेरा ज़मीर मुझे एहतसाब तरमीमी बिल पर दस्तखत करने की इजाज़त नहीं देता। अब तरमीमी बिल भी वापस। सदर मुमलिकत ने ये बिल भी रुजत पसंदाना नौयत का करार दे दिया। सदर आरिफ अलवी ने मौकिफ इख्तियार किया कि पार्लियामेंट से मंजूर शुदा ये बिल रुजत पसंदाना नौयत का है, जिससे बदउनवानी को फरोग हासिल होगा। ये बिल बदउनवान अनासिर के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो किसी को भी जवाब दे नहीं और बिला खौफ व खतर अपनी लूट पार जारी रख सकते हैं। सदर मुमलिकत ने लिखा कि नामालूम जराए से दौलत का हुसूल एक जुर्म था, जिसे इन तरामीम से कवानीन को गैर मौसर बना दिया गया है। कानून इंतजामिया को अख्तियार देता है कि इसका इस्तेमाल ताकतवर अनासिर के सियासी मफादात के तहफ्फुज के लिए किया जा सके। एहतसाब के अमल को कमजोर करना न सिर्फ खिलाफ आईन है, बल्कि पहले से मसाइल ज़दा पाकिस्तानी अवाम के बुनियादी हुकूक के भी खिलाफ है। सदर ने लिखा कि मैं इस हकीकत से बखूबी आगाह हूँ कि मेरे दस्तखत न करने के बावजूद ये बिल कानून की हैसियत इख्तियार कर लेगा, लेकिन मेरा जमीर मुझे सब्सक्राइब करे और बेल दबाए ताकि कोई खबर रह न जाए।